सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक स्टेप टेल राइड इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी R15 V4 पे। तो पहले उससे पहले हम नंबर प्लेट और इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर। तो वो करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे फिट नहीं होते इन होल्स में, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें और क्या नहीं, और फिर जाते हैं। या अभी मैंने एक जुगाड़ किया है, अभी भी आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये सब प्रॉब्लम होता है अंदर जाने का। तो हमें बस कैंची होती है हर किसी के घर के अंदर, तो वो लेके से उसे रोल करते रहना जब तक वो होल बड़ा नहीं होता और आपका इंडिकेटर इजीली अंदर नहीं चला जाता, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। तो अभी हमारे ये भी होल हो चुका है रेडी, ये देखिए इजीली अंदर चला जाएगा। तो अभी हम ये पूरा सेटअप करेंगे जैसे रहना, उसके अंदर इंडिकेटर डालना। तो इंडिकेटर लगने के बाद कुछ ऐसे लगेंगे। और अभी हम इसमें नंबर प्लेट इंस्टॉल करेंगे। तो नंबर प्लेट के लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी हम ये इंस्टॉल करेंगे अपनी R15 V4 में। तो जैसे कि हम नॉर्मली यहाँ से सीट निकालते वैसे ही निकालना है। और फिर ये जो ये निकालना है इसको साइड में लेना है। और फिर आपके पास जहाँ 10 नंबर का जो पान होगा उसको लेके ये सब कुछ, ये जो 1 2 3 4 ये खोल ओपन कर। यहाँ पे लॉक्स होते हैं, तो लॉक्स भी निकालना। और यहाँ पे अंदर साइड में दो नट्स होंगे, स्क्रूज होंगे, वो भी निकालना। इस साइड में और इस साइड ये सारे 4 निकालने के बाद, लॉक्स निकालने के बाद फ्रेम बाहर आ जाएगा। सबको फ्रेम को निकाल के बाहर, और यहाँ पे जो जितने 4 हैं वो भी निकाल लेंगे। पहले आपको इंडिकेटर्स के बाहर निकालना 4ों। इंडिकेटर्स के वायर निकालने के बाद आपको ये जो यहाँ पे 4 है तो इस टेल डाड़ी को कैरी कर रहे हैं उन्हें निकाल।
फाइनली कुछ ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का और मुझे तो वैसे ही अच्छी लग रही है, तो अभी टेल टाइड इंस्टॉल करते हैं इसमें। तो अभी आपको ये लॉक निकल है और फिर ये आपकी प्लेट भी निकल जाएगी, ये लॉक निकल गई। प्लेट्स आपको बहुत काम में आने वाली बात है, कुछ संभाल के रखना। तो जो वायरिंग देने के लिए पहले वो इंडिकेटर्स की वायर है वो आपको यहाँ से अंदर डालनी है। यहाँ पे मैंने ऑयल का जो डिब्बा रहता है उसको कट करके ऐसा ऑयल का डब्बा था तो उसको कट करके मैंने उसके लिए पैकिंग बनाया। बस आपको ठीक से मेजर करके उसको अंदर लगाना है और जो स्क्रूज है नट्स है वो लगाने के लिए आपको जगह बनानी है। और फिर आपके इंडिकेटर्स के वायर जब जो बाहर आए थे यहाँ से उसके लिए कूल करना है, यहाँ पे जो मैंने किया और प्रॉपरली यहाँ पे वायरिंग करनी है। और वायरिंग वगैरह होने के बाद उसको फिर से लगा देना। और ऐसे कुछ फाइनल लुक आ रहा है गाड़ी का, आपको मैं इंडिकेटर्स लगा के भी दिखाऊंगा कैसी लग रही है। तो अभी आपको हजार्ड शुरू करके दिखा दूं। हजार्ड लगने के बाद कुछ ऐसे लग रहे और इंडिकेटर्स भी दिखा दो। इंडिकेटर्स पे थोड़ा फास्ट ब्लिंक हो रहा है एज कम्पेयर टू हैजर्ड लाइट। तो अभी अगली वीडियो में हम शायद ये चेंज करेंगे अगले वाले इंडिकेटर्स जो कि मैंने ट्रायंगल शेप वाले लिए, तो वीडियो भी जल्दी आएगी। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen.